अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? उम्मीद करते कि ठीक होंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने लगे थे, अब मैं ससुराल की छत पे आ गई हूँ। बहुत प्यारा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये अप्रैल का महीना है, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियाँ हैं। ससुराल की छत पे काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पे मुझे ये ग्रीन वाला जो ट्री है, जो दरख्त है, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मेरा दिल कर रहा था इसको देखे जाऊँ, और साथ साथ छतें थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा की वजह से मैं ऊपर चली गई थी, काफ़ी अच्छा मौसम था, दिल खुश हो गया। तो आज हमने घर भी वापस जाना था, घर आने की खुशी भी थी और अपनों से दूर जाने की थोड़ा सा सैड भी थे, ईद करने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ही जाते हैं, उधर मायका भी है, ससुराल भी है, तो काफ़ी अच्छी अपनों में ईद गुजरती है। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, गाड़ी में जा रहे थे, बहुत अच्छा यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन व्यू है, हल्की हल्की साथ ही बारिश शुरू भी हुई हुई थी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन भी है और साथ बूंदाबांदी भी थी, तो बड़े मज़े का था, इंजॉय भी किया सफ़र। घर आने की खुशी भी थी और सबसे दूर होने की भी, अपनों में ईद का अपना ही मज़ा होता है, तो बड़ा इंजॉय किया। सारी फैमिली को मिले हैं, सिस्टर इन लॉ और देवरानी जो हैं उनको भी, मम्मा लोगों को, सिस्टर्स को, तो काफ़ी अच्छा गुजरा टाइम। तीन चार दिन, तीन दिन पता नहीं कैसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर में हम घर पहुँचने वाले थे। रास्ता काफ़ी आज मज़े का लग रहा था, क्योंकि बारिश थी, ठंडी हवा थी और वेदर काफ़ी मज़े का था। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वेदर, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।